खड़े होकर के मैं हिंदूवादी नेता राजू चंदेल पाकिस्तान को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो छद्म युद्ध बंद करे। बेगुनाह लोगों का हमारे बॉर्डरों पर रह रहे भारतीयों का खून बेवजह खून बहाना बंद करे। हमारी तीनों आर्मी तीनों सेनाएं विश्व की चौथे नंबर की सेनाएं हैं। हिंदुस्तान एक शांति प्रिय देश है। पाकिस्तान के हुक्मरानों कान खोल कर सुन लो, हम शांति प्रिय देश हैं, हमें मत छेड़ो वरना तुम्हारा इस विश्व के नक्शे से नाम मिटाकर रख देगी हमारी तीनों सेनाएं। हम शांति प्रिय हैं, हम दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा नहीं करते जैसे पाकिस्तान और चाइना हमारी ज़मीनों को हड़पे बैठा है। हम चंद कदमों की दूरी पे हमारी सेनाएं बैठी हैं, बस तीन कदम। अगर हमें हमारी भारत सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी आज हमारी तीनों सेनाओं को ऑर्डर दें तो मैं कहता हूँ कि सुबह का जो सूरज पाकिस्तान और चाइना को इस विश्व के नक्शे से उसका नाम और निशान मिटा के रख देंगी हमारी सेनाएं। आज हम पाकिस्तान के जुर्म और सितम से बांग्लादेश को आज़ाद करा चुकी हमारी तीनों सेनाएं। आज पाकिस्तान के चार टुकड़े होंगे बुलिच लोगों पर जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हो। पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो हमारे बॉर्डर इलाके में रह रहे मवेशियों को इंसानों को बेवजह मौत के घाट उतार रहे हैं अकारण गोलीबारी कर करके। इस गोलीबारी को बंद करना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें रहना चाहिए। हमें मत छेड़ो, हमारी सेनाओं को मत छेड़ो, नहीं आपको मुकम्मल इलाज करने के लिए हमारी तीनों सेनाएं तैयार बैठी हैं। बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। याद करो बालाकोट, याद करो पाकिस्तान के हुक्मरानों, इमरान खान कान खोल के सुन ले किस प्रकार से तेरा टुकड़े कर रहे थे बांग्लादेश के। अगर और टुकड़े नहीं चाहता है अपने वतन के, अपनी जनता की भुखमरी को मिटा, मां की बेरोजगारी को मिटा, हमें मत छेड़, हम भारतीय को हम शांति प्रिय देश है। नहीं लाशें गिनते गिनते तुम पागल हो जाओगे। चंद कदम की दूरी पे हमारी सेनाएं बैठी हैं, हमें छेड़ोगे तो मुंह की खाओगे। जैसे अभी हाल ही में थोड़ा सा छेड़ा हमारी सेनाओं को पेंगोंग झील के अंदर चाइना ने, किस तरीके से उन्हें धूल चाट करके भागना पड़ा, उनके सेनाओं को मौत के घाट उतारा हमारे भारतीय सेनाओं ने। हमारी आर्मी हमारी सेनाएं हमारी थल सेनाएं वायु सेनाएं हमारी सक्षम है, विश्व की चौथी सेना है। बस यही कहना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ अपने इन वीर जवानों को, सैनिकों को।